नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके बच्चों के भविष्य की। देखिए, हम जो कुछ भी कमाते हैं उससे हम ये सोचते हैं कि हमारा घर परिवार तो अच्छी तरह चले ही, लेकिन उसमें से कुछ हम थोड़ा थोड़ा बचाएं ताकि हमारे बच्चों के फ्यूचर में कोई भी पैसों की दिक्कत ना आए, चाहे उनकी शादी की बात हो या फिर उनकी पढ़ाई की बात हो। लेकिन हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन ये होती है, जो भी हम ये पैसे बचाना चाहते हैं, ये किस स्कीम में हम इन्वेस्ट करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो आज हम उन्हीं चार स्कीम्स की बात करने वाले हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने बच्चों के फ्यूचर और भविष्य के लिए पैसे जोड़ सकते हैं और जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं एक एक करके ये स्कीम्स कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी जो स्कीम है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए, आपने बहुत बार सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सुना होगा और इसका कारण यही है कि ये स्कीम आपके बच्चों के लिए बहुत ही सही है अगर आपके घर पे कोई लड़की है, क्योंकि इस स्कीम में आपको 8% का ब्याज मिलता है और इसके साथ साथ आप एक साल में 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक कितने ही रुपए जमा करवा सकते हैं। इसके ऊपर आपका कोई ऐसा बर्डन नहीं है कि आपको हर महीने इतने ही रुपए जमा करवाने हैं। और इसका सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा ये है कि इस स्कीम में आपको 1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की रिबेट मिलेगी, यानी कि इस स्कीम में आप जितने भी पैसे जमा करवाओगे उस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसके साथ साथ जब आपकी मैच्योरिटी होगी, जब ये खाता पूरा होगा, उस टाइम पे आपको जितने पैसे मिलेंगे उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। यानी सुकन्या समृद्धि योजना पे आपको टैक्स के सारे बेनिफिट मिलेंगे, आपको 1 रुपया भी टैक्स का नहीं देना। इसके साथ साथ ये 21 साल की स्कीम है, इस स्कीम में आपको 15 साल तक पैसे जमा करने हैं और जब खाते को 21 साल हो जाएंगे आपको वो आपके से मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने आपकी 1 साल की गुड़िया का खाता खुलवाया, तो जब गुड़िया 22 साल की होगी तो ये खाता बंद हो जाएगा और आपको जितने पैसे थे वो आपको मिल जाएंगे। आप सोच रहे होंगे हमें पैसे की पहले जरूरत हो तब क्या होगा। देखिए, इस स्कीम में ये रूल दिया गया है कि अगर आप 18 साल के बाद जब भी गुड़िया की शादी करोगे तो ये खाता बंद हो सकता है, बेशक इस खाते को 21 साल ना हुए हो। उस केस में आपको जब शादी होगी उसके 1 महीना पहले और 3 महीने बाद तक गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा और ये खाता आपका बंद हो जाएगा और आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिसके घर में गुड़िया है चलो वो तो सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवा लेंगे, जिसके घर में गुड़िया नहीं है, जिसके सिर्फ बेटे हैं, तो वो क्या करें। कि उनके लिए भी सुकन्या समृद्धि योजना जैसी ही 3 स्कीम है। आप इन 3 स्कीम्स में से किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक स्कीम तो हमारी जो सब जानते हैं पीपीएफ अकाउंट है, दूसरी हमारी पोस्ट ऑफिस की पीएलआई है और तीसरा हमारा है एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी। देखिए, एलआईसी की जो कन्यादान पॉलिसी है, हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका नाम कन्यादान है तो सिर्फ लड़कियों के लिए होगी, लेकिन इसमें हम अपने बच्चों यानी बेटों के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जो पीपीएफ अकाउंट है वो एक 15 साल का अकाउंट है, 7.1% की इसकी फिलहाल इंटरेस्ट रेट है। और वहीं जो हमारी कन्यादान पॉलिसी है, जब आप उसको लोगे तो आपकी महीने की एक किस्त फिक्स हो जाएगी और वो किस्त आपको जितने साल के लिए आप चाहो उतने साल के लिए आप भर सकते हो और आपको एक फिक्स टाइम के बाद वो सारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन कन्यादान पॉलिसी में सुकन्या समृद्धि योजना की तरह नहीं है कि आप कम ज़्यादा पैसे जमा कर सकते हो, आपको एक फिक्स किस्त भरनी ही पड़ेगी। वहीं हम बात करें पोस्ट ऑफिस की पीएलआई यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की, ये भी आपके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि हमने जब कैलकुलेट करके देखा पोस्ट ऑफिस की आरडी, पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ अकाउंट और पोस्ट ऑफिस की पीएलआई को, तो पीएलआई हमें ज़्यादा रिटर्न दे रही थी अगर हम सेम रुपये हर महीना जमा करते हैं तीनों स्कीमों में। लेकिन पीएलआई में एक और फायदा है, पीएलआई में ये फायदा है कि हम जितने रुपये की भी पीएलआई लेंगे तो उतने रुपये का हमारा रिस्क कवर भी होगा, यानी हमारा इंश्योरेंस भी होगा। देखिए, पीपीएफ और आरडी स्कीम जो भी हमारी और स्कीम्स हैं उसमें क्या होगा, हमने जितने रुपये जमा किए प्लस जितना हमारा ब्याज हुआ वही पैसे हमें मिलेंगे अगर कोई दुर्घटना हो जाती है। लेकिन पीएलआई स्कीम में क्या होगा, जितने हमने पैसे जमा किए हैं वो तो मिलेंगे ही, जितने रुपए की हमने पीएलआई ली थी हमारा इंश्योर्ड अमाउंट थी, मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए की पीएलआई ली थी तो हमें 10 लाख रुपए तो वो मिलेंगे, उसके साथ साथ जितने रुपए हमने जमा किए हैं वो भी हमें वापस मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ आपको पीएलआई में पीपीएफ जितना रिटर्न तो वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है उस केस में आपको और जो आपका सम इंश्योर्ड है वो भी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो पीएलआई भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है अगर आप अपने बच्चों के लिए
इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप ये कहोगे कि ये स्कीम्स तो हमने बहुत बार, कई सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं, हमें कोई ऐसी स्कीम बताइए जो एक अच्छा रिटर्न दे और हमारे पैसे अच्छे ग्रो हों, ना कि 7% 8% की इंटरेस्ट रेट से। देखिए जो हमारी तीसरी जो स्कीम है वो है हमारी SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। देखिए हम में से बहुत सारे क्या करते हैं, अगर हम पैसे बचाने की बात करते हैं तो बहुत सारे तो FD करवाते हैं, कोई सुकन्या समृद्धि या कोई PPF अकाउंट में डिपॉजिट करवाता है। तो इंडिया में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोना खरीद लेते हैं और उस सोने को अपने पास रखते हैं और जब उनको जरूरत होती है उसको बेच के वो पूरा लाभ उसका ले लेते हैं। ऐसे ही हम सुनार की दुकान से सोना खरीदते हैं, उस टाइम पे हम जैसे ही सोना खरीदेंगे जो सोने का रेट होगा उसका 10% लगभग हमें मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, उसके साथ साथ 3% उस पर GST लगता है, तो यानी ओवरऑल कुल मिला के वो 15% के आसपास हमारा चला जाता है। यानी जो भी हम रिटर्न कमा रहे थे, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में 8%, PPF में 7.1%, वो सारा 15% तो हम पहले ही सुनार को दे आते हैं और उसको जब गोल्ड को हम घर पे लेके आते हैं उसके अलावा हमें उस गोल्ड की हिफाजत या सुरक्षा के लिए भी चिंता बनी रहती है, कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए या हमारी चोरी ना हो जाए, तो वो भी हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो इस सारी चीज का एक सॉल्यूशन है SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। देखिए ये गोल्ड बॉन्ड क्या स्कीम है, ये सरकार समय समय पर साल में कुछ महीनों के लिए निकालती है, उस टाइम पे हम क्या है सरकार से गोल्ड खरीद सकते हैं और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस स्कीम में जब हम गोल्ड खरीदेंगे सरकार से तो उस स्कीम में हमें कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं देना और इसके अलावा कोई भी GST नहीं देना, यानी हमारे वो 15% बिल्कुल एज इट इज बच जाएंगे। और इसके अलावा सरकार हमसे लेने के बजाय हमें 2.5% ब्याज हर साल देगी, यानी हम सरकार से जितने रुपए का भी सोना खरीदेंगे SGP के थ्रू उस पर 2.5% सरकार हमें सालाना ब्याज देगी। और ये 8 साल की स्कीम है और 8 साल के बाद जैसे ही हम वो सोना सरकार को वापिस बेचेंगे उस टाइम पे सोने का जो भाव होगा उस हिसाब से हमारा वो सोना बिक जाएगा और हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज इसमें नहीं देने और इसमें हमें टैक्स की रिबेट भी है। तो बहुत ही शानदार स्कीम है, जहां हमें सोने के भाव के फायदे मिल रहे हैं वही हमारी सरकार की तरफ से 2.5% सालाना इंटरेस्ट भी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है और सरकार की तरफ से इसमें हमें कोई गहने नहीं दिए जाते जो हमें संभाल कर घर पर रखने होते हैं, सरकार की तरफ से हमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो हम इजिली संभाल के रख सकते हैं सोने की बजाय। तो यहाँ पे सुरक्षा का भी कोई दिक्कत नहीं है जो हमारे दिमाग में बना रहता है कहीं कुछ चोरी ना हो जाए। तो इसीलिए SGB स्कीम भी आपकी बहुत शानदार स्कीम है अगर आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इससे शानदार सरकारी स्कीम शायद ही कोई होगी। अब भी आप शायद ये कहोगे कि हाँ ठीक है ये इतनी सुरक्षित है स्कीम सारी, लेकिन फिर भी वो बात नहीं है, इनमें इतना इंटरेस्ट हमें नहीं देंगी कि हम कुछ एक्स्ट्रा सोच के अपने बच्चों के लिए। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए सोच रहे हैं तो ये पढ़ाई और शादी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपको अपने बच्चों के सिर्फ शादी और पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये तीनों स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा भी नहीं है और हम बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों के लिए और कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए उनके लिए कुछ महंगी गाड़ी खरीदने का आप सोच रहे हैं या फिर जब वो बड़े होंगे उनके लिए कोई लग्जरियस होम यानी घर खरीदने के बारे में आप सोच रहे हैं और उनकी शादी और पढ़ाई के अलावा थोड़ा और बचा सकते हैं, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। देखिए म्यूचुअल फंड्स भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में क्या होगा, आपको एक बेसिक से 0% नॉलेज हो शेयर मार्केट की, फिर भी आपका पैसा अपने आप ग्रो होता रहेगा। म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ हर महीने इन्वेस्ट करना है या आप चाहे तो एक बार ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में आप लंबे समय के लिए 12 से लेकर 15% की इंटरेस्ट रेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपको मिल सकती है और जिससे आपका पैसा अच्छा ग्रो होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट से वो यानी चक्रवर्ती ब्याज से वो आपका पैसा ग्रो होता रहेगा। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा अगर आप अपने बच्चों के लिए आज से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो आप सोचेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, देखिए अगर आप ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप कोई भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें और आप उसमें इन्वेस्ट करते रहें, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें और उसके बाद आप उसको रेगुलरली लंबे समय तक जब तक चाहें उसमें इन्वेस्ट करते रहें, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा अगर आप इंडेक्स फंड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते
चाहते, कोई भी लार्ज कैप, किसी भी कंपनी का लार्ज कैप फंड है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा और आपके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब भी आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि इन चार स्कीम्स में से कौन सी स्कीम में हम इन्वेस्ट करें। देखिए, आपको बिल्कुल भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अब तक जो स्कीम डिस्कस की है वो है सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना, फिर पीपीएफ अकाउंट या पीएलआई, और उसके बाद हमारा एसजीबी यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, और फिर है म्यूचुअल फंड। आप इन चार स्कीमों को तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट में तो आप रख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ और पीएलआई को, दूसरे पार्ट में हम रखेंगे एसजीबी यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को, और तीसरे पार्ट में म्यूचुअल फंड को। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए या 9 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, मान लीजिए आपके पास 9 लाख रुपए हैं, तो आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए सुकन्या समृद्धि योजना या पीपीएफ या पीएलआई, इनमें से किसी भी एक में। अगर आपके घर में बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर दीजिए, अगर आपके घर में बेटी नहीं है तो आप पीपीएफ या पीएलआई में, किसी में भी 3 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले 3 लाख रुपए आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, और वो बाकी 3 लाख आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका रिस्क भी कवर होगा। मान लीजिए शेयर मार्केट थोड़ी डाउन चली जाए और म्यूचुअल फंड का जो इंटरेस्ट है वो आपको कम मिल रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जैसा कि आपको पता है जैसी मार्केट डाउन जाती है गोल्ड के प्राइस हाई जाते हैं, तो वो जो गोल्ड है वो आपके रिटर्न को इफेक्ट नहीं होने देगा, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती ही रहेगी। और उसके साथ साथ जो हमारी सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ है उसमें तो आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं, वहां पे तो सरकार की गारंटी है। तो आप ऐसे करके अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि उनकी शादी और पढ़ाई के टाइम कोई भी दिक्कत ना आए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन स्कीम्स का फायदा उठा सके। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।